नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्ले स्टोर ऐप अपडेट कैसे करें, प्ले स्टोर एप्लीकेशन अपडेट करने का सही तरीका क्या है, क्या आप भी अपने प्ले स्टोर ऐप को अपडेट करना चाहते हो तो कैसे अपडेट कर सकते हो 2024 में, आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब दोस्तों, प्ले स्टोर ऐप अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पे आपका प्ले स्टोर ऐप ओपन हो जाएगा तो ऊपर आपकी प्रोफाइल फ़ोटो दिख जाएगी, तो आपको अपने प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करना है। और जैसे आप प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर बहुत ढेर सारे ऑप्शन निकल के आ जाएगा, और यहाँ पर सबसे नीचे एक सेटिंग्स लिखा हुआ आएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सेटिंग्स का एक नया पेज ओपन होगा, और यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारे ऑप्शन दोबारा से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको एक लास्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा अबाउट के नाम से, जिसमें लिखा हुआ है प्ले स्टोर बिल्ड वर्जन डिवाइस सर्टिफिकेशन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखने को मिलेगा प्ले स्टोर ऐप का वर्जन, कि आप अपने फ़ोन के अंदर कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। फिर उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको अपडेट प्ले स्टोर दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपडेट प्ले स्टोर पे क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट प्ले स्टोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर इज अप टू डेट लिख कर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो प्ले स्टोर ऐप है वो अपडेट पहले से, तो आपको गो इट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, अगर आपका अपडेट नहीं है तो आपको यहीं पर आकर और अपने प्ले स्टोर ऐप को अपडेट कर लेना है। मात्र यही एक सही तरीका है 2024 में गूगल प्ले स्टोर ऐप अपडेट करने का। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए नई वीडियो में फिर से मिलते हैं।